जो साहब आज मेरे मेहमान हैं, ये कराची में एक कॉलेज में पढ़ाते थे। फिर दुबई चले गए, वहाँ एक शेख के घर में ड्राइवर है। मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे। समझ में तो मेरी भी नहीं आया था, समझ में तो मेरी नहीं आया था कि एक उस्ताद, एक पढ़ा लिखा आदमी जो है दुबई के वहाँ, एक शेख के वहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। मेरे बच्चे खुश हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, मैं खुश नहीं हूँ। कभी आप ने अपने मामू को दुबई बुलाया? मामू को एक दफा बताया ना जी, आपने बताया था शेख को गालियां सिखा, उन्होंने सिखा दी गालियां। लो भाई, मामू जब दुबई एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे, नीचे उतरते ही इमिग्रेशन को गालियां, कस्टम वालों को गालियां, गर्मी बहुत थी उन दिनों दुबई में, जो भाई गर्मी को गालियां। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इतनी ज़ोर ज़ोर से गालियां ना दें मामू, यहाँ पर लोगों को उर्दू आती है, ऐसा गाली दें। मगर वो गालियाँ हाँ देते रहे। शेख को मतलब बता के गाली देते कि इसका मतलब ये है। अब ये नहीं पता मुझे इतनी डिटेल में, मैं मुझे नहीं, मेरी बात ना शेख से हुई ना मामू से हुई इस सिलसिले में, लेकिन मामू ने खूब रच के सिखा दी थी गालियाँ। वही शेख कहते, वो शेख मुझे गाए थे। तो आपने शेख से कहा कि ये ठीक नहीं है लफ्ज़? नहीं, मैं मेरी मुझे अरबी इतनी आती ही नहीं है कि मैं उनको समझा पाऊँ, मुझे इतनी अरबी नहीं आती है। अच्छा, कितने दिनों बाद आप दो साल के बाद कुछ फ़र्क लगा आपको इन दो साल? हाँ, बड़ा फ़र्क लगा। पहले तो निकल के उतर के आराम से घर चले आते थे लोग, इस दफ़ा जब उतरे तो हम क्या हुआ, मैंने रेंट कार ली, रेंट कार की टैक्सी में बैठा, शारे फैसल पे पहुंचा। शारे फैसल पे जब पहुंचा तो एक गाड़ी आके उसने सामने से रोक ली, उसमें से दो लड़के उतरे, जो रेंट कार की गाड़ी के ऊपर जो मेरे सूटकेस बैठा हुआ था वो सूटकेस उतार के ले गए। मैं तो एकदम ही बल खाया, तो ड्राइवर मुझसे कह लगा आराम से रहो, शुक्र करो कि सिर्फ सामान ले गए, वो मार भी सकते थे तुम्हें। सूटकेस में कुछ था? सूटकेस में मामू मोमानी के लिए मैं जो सामान लाया था, गिफ्ट लाया था, वो थे उसमें। लो भाई, बड़ी मुश्किलों से दूसरी टैक्सी के घर पहुंचा। जब घर पहुंचा मैंने मामू को किस्सा सुनाया कि शारा फैसल पे ये हुआ। लो भाई, शारा फैसल को गालियाँ अब दिए जा रहे, शारा फैसल को गालियाँ दिए जा रहे, शारा फैसल ख़त्म हो गई, मामू की गालियाँ ख़त्म नहीं हो रही। तो आपसे कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं, मुझसे कहने लगे हालात ऐसे, तुझे आने की ज़रूरत क्या थी, क्यों मरा इधर आके तू? पर्स और मोबाइल तो नहीं चोरी हुआ? वो भी चोरी हुए, पर्स और मोबाइल चोरी हुए। जब मैं घर पहुंच गया तो मैंने सोचा कि मामू मोमानी के लिए हैदरी मार्केट से कुछ चीज़ यहीं से खरीद के दे देता हूँ। लो भाई, मैंने टैक्सी पकड़ी, टैक्सी जैसे ही वहाँ उधर पहुंची, वहाँ पर मार्केट पे, तो भैया जैसे ही पहुंची तो वहाँ बेल बजी मेरे मोबाइल की, मैं बाहर निकला, बीवी का फ़ोन था दुबई से। मैंने सिर्फ फ़ोन पर हेलो किया, एक लड़का आया, उसने मोबाइल छीन लिया, बाकी बातें उसने भी लीजिए की। वो भाई, मैं दुकान में गया, अब दुकान में जाके मैंने मामू मोमानी के लिए कुछ चीज़ें पसंद की, मैंने कहा ये ले लेता हूँ। अब जनाब, मामू मोमानी के लिए जो चीज़ें खरीदी मैंने, उसके लिए बिल अदा करने के लिए मैं जब पीछे हाथ डाला तो मेरा पर्स भी गायब। वो तो शुक्र है खुदा का कि शनाख्ती कार्ड और टिकट जो है मैंने सामने की जेब में रखी हुई थी, मरता क्या ना करता। मैंने रिक्शा पकड़ा वहाँ से, रिक्शा पकड़ के वापस घर गया, मैंने मोमानी को सारा किस्सा सुनाया। मैंने कहा मामू को मत बताना, मामू को बिल्कुल मत बताना। और फिर मैंने क्या किया, मेरे पास जो घड़ी थी वो मैंने ले जाके मामू को दे दी। अब जो घड़ी मैंने मामू को दी वो घड़ी बहुत अच्छी थी, उस घड़ी में सिर्फ दो सुइयां थी और नंबर नहीं थे। लो भाई, उन्होंने देखा, राडो को गालियाँ, राडो बनाने वाले को गालियाँ, राडो जिसने घड़ी ईजाद की उसको गालियाँ। फिर मैं वो घड़ी उन्होंने मुझे वापस कर दी, मैंने वो घड़ी लेकर मोमानी को दे दी, मोमानी ने घड़ी पहन ली। लो भाई, सुबह 4 बजे के करीब जो मामू के कमरे से मोमानी की जो आवाज़ें आ रही थी, अल्लाह माफ़ करे, यानी ख्वातीन की तारीख में मैं नहीं समझता कि इस तरह के अलकाब और अल्फाज किसी ने इस्तेमाल किए होंगे। जी, आप मोमानी आपके मामू को सुना रही है? यस। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी, मुझे आप पता दें अपने घर का। किस लिए भाई? मैं आपके मामू से मिलूंगा। अरे माफ़ करना भाई, खुदा के वास्ते कोशिश भी मत करना। मैंने सिर्फ मुझसे पूछा उन्होंने कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा अनवर मकसूद साहब के प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। लो भाई, उन्होंने तुम्हारा नाम सुनते जो गालियाँ। किसको? आपको देव गालियाँ। एक सुनाओ, कहने लगे अबे ये अनवर मकसूद। अच्छा, अभी नहीं, तो वो जो कह रहे थे मैं वो बता रहा हूँ। बिल्कुल, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है,